सिवा ने बोला था कि पाकिस्तान में लोग पढ़ते तो हैं लेकिन बाहर चले जाते हैं, राइट? सो यस्टरडे मेरे शो पे एक डिस्कशन हुई थी एंड वी हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट कि क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ने बाहर जाए एज लॉन्ग एज यहाँ काम करने आ जाए, राइट? मगर फिर हमारे स्कूल्स का क्या, हमारी एजुकेशन सिस्टम का क्या, राइट? तो हम लोग एक डिबेट खेलेंगे यहाँ, राइट? Whoever is for studying abroad, तो 12 बजे जो लोग कहते हैं कि करना चाहिए, अभी हम लोग जो लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, यहाँ पढ़ना चाहिए, स्प्लिट हो जाए. अब मैं आऊंगी. बताओ, ये फोर का सेक्शन है, जो लोग सुबह से अरुण की ज्वाइन है. हाँ चलो चलो, डिसाइड हो रहा है कि कौन जो करना, जो जाना चाहते हैं, हाँ वो यहाँ. वेरी गुड, लुक कौन कौन आएगा, शिफ्ट ऑफ पीपल आएगा. बैठ जाओ. ओ भाई, ओ गॉड, एक्सक्यूज मी, कैमरा, हेलो, मैं कहाँ हूँ, मास्टर में हूँ, प्लीज कैप्चर करिए कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए और कितने लोग जो है, अरे थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ. वेरी गुड, ओके. हाँ ये बीच में, ओके. सबसे पहले मैं आप लोग सबको फिर से बता दूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान में हम लोग सब जो है स्कूल तो जरूर जाते हैं लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी हम हमेशा बाहर जाते हैं. हमेशा क्या होता है, यूनी में बाहर जाऊँ, राइट? तो और सेक्शन है जो कहता है कि आप क्यों बाहर जाएं, यहाँ एजुकेशन सिस्टम आपका अच्छा है, यहाँ यू नो यू हैव वेरी गुड यूनिवर्सिटी, जहाँ आपको पैसे देने चाहिए उनको अच्छा बनाना चाहिए, एंड दैट्स द केस. बट लेट्स स्टार्ट विद ऑल ऑफ यू. कौन शुरू करेगा, आप करना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं. ओके, कम यहाँ. मेरा नाम नवीन है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम बाहर जाके ये पढ़ना चाहिए क्योंकि वो आउटसाइड तो उसमें फायदा है कि बाहर की जो टेक्नोलॉजी नई नई चीज़ें हैं वो हम यहाँ एक नहीं करेंगे. और स्पीकर ऑन करके ताकि सब सुन सके इनकी बात. ओके, देखिए इन्होंने जो काम, मैं बिल्कुल इनकी बात से डिसाइड नहीं करती हूँ, एग्री करती हूँ. वो इसलिए कि अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम अपनी कंट्री में दिखाएं, हम उसको बाहर जाएं, वहाँ जाके कुछ टेक्निक सीखें और फिर हम यहाँ आके अपनी कंट्री में उसको यूज करें. नहीं, हमें हमारा मुल्क है और हमें इसके, हमें स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने मुल्क को मतलब अच्छी तरह उसको संभाल सकते हैं. मैं इनकी बात से बिल्कुल डिसाइड हूँ. ये बस कह रहे हैं कि हमें आउटसाइड जाना, हमें अब्रॉड जाना चाहिए, वहाँ जाके पढ़ना चाहिए और फिर हमें जो है यहाँ आके दोबारा करना चाहिए. वी आर पाकिस्तानी, वी आर प्राउड टू बी आर पाकिस्तान. एक चीज जो मुझे यहाँ कहनी है जो बिल्कुल टॉपिक से रिलेट नहीं होती है वो ये है कि आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है, जो कि मेरी हम हमारे हम लोग यूथ हैं, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि मुझे नहीं लगता चाहे वो आवाम हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एक्चुअली हमारे हाथ में, यूथ के हाथ में पाकिस्तान. एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर इतनी ज़्यादा थिंकिंग यूथ है तो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी on the top. Okay, we have to take a break. Break पे जाना है, लेकिन मैंने आप लोग दोनों के लिए स्पेशली टी शर्ट रखी है. एक्चुअली यू गाइस आर ऑल्सो फैंटास्टिक, मुझे समझ नहीं आ रहा किन किन को टी शर्ट दूँ. बहुत अच्छी तरह इन लोगों ने बातें की हैं और हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अगर आप लोगों को कोई टॉपिक माइंड में आ रहे हैं प्लीज टेल अस, क्योंकि यहाँ वी वांट टू टॉक अबाउट इट. अभी के लिए छोटी सी क्योंकि आप लोग आई लव यू गाइज, आई होप यू नो दैट.
आई होप यू नो दैट. अच्छा बाय द वे आप लोग इसका लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और मुझे सामने जो है अपने ड्रीम बिग कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं. और इट्स सच अ गुड फीलिंग क्योंकि एक ऐसा शो हुआ था जहाँ सिंगर्स आए थे जो एक से एक इतने अच्छे थे कि मैंने ईमान को कह दिया था कि मुझे मत बताओ कि कौन जीत रहा है क्योंकि इट्स गोना ब्रेक माय हार्ट. तो बोलोगी ये जिसने जीता है तो मैं कहूँगी ये क्यों नहीं जीता, ये बोलोगी तो आई एम गोना हैव ऑल ऑफ देम कम इन अ बिट क्योंकि क्या आवाज़ें हैं. अब हम लोग आपको अपने पाकिस्तान के शाहरुख खान से मिलाएंगे तो प्लीज़ तब तक तालियाँ हो जाए प्लीज़. अब आ रही है जब नहीं आए तो बोल दो नहीं आ रही है ठीक है. अच्छा जी शाहरुख अब मैं चाहती हूँ तुम इन सबके लिए लाइव ऑडियंस थिएटर कहते हैं सबसे मुश्किल काम राइट कैमरा के सामने का जो थिएटर तो कोई अपना एक अपना डायलॉग या कुछ यू नो एक सीन कोई कर दो कुछ नया अभी समझ नहीं आया तो वही कर लो कुछ नया मगर ये तुम्हारी ऑडियंस यू नो और छा जाओ. जैसे मैंने एक शो पे करा था प्रपोजल सीन था मेरा और उस शो मैंने करा था बहुत अच्छी तरह से करा था लेकिन क्या कहते वो भी नहीं मिले मुझे तो बहुत सारा टॉपिक है लेकिन किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो इसका तरीका ये होना चाहिए. माया तुमसे मैं कब से एक बात कहना चाहता हूँ. माया तो एक पिंक ड्रेस बहुत अच्छी है. माया तू मुझे बहुत अच्छी लगती है. माया मैं माया तुमसे एक बात कहना चाहता था कब से. माया आई लव यू. अच्छा अब मैं शुरू करूंगी गाना और फिर जो वो एंड होगा वो से कौन सा गाना
मानी की छोप का अंदर बंदर सब पीला आ गया था। Take a small little break and don't go anywhere.